ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग ही सीधा हम लोग ने मोटर ब्लॉगिंग से की है, क्योंकि भाई 7 का टाइम दिया गया था और बस 16 मिनट हम लेट हो गए। तो इसके लिए जल्दी जल्दी मैं निकला। और क्या आज का तुम देख ही रहे हो, क्या माहौल है बाहर। अभी जाके फटाफट देखना है भाई उधर कौन कौन वेट कर रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी राइड करनी थी। क्या ठंडी है यार आज, मानना पड़ेगा आज मस्त ठंडी है। और एज ऑलवेज हम हमारे हमेशा के मीटअप पॉइंट पे आ चुके हैं। आज बाइक का लाइनअप बहुत सारा दिख रहा है, कौन कहाँ पर रुका है। और यहाँ पर हमारे जीशान भाई रुके हैं, फ्यूल करा के। रुको मैं फ्यूल भरा के आता हूँ। और ये भी एक राइड निकली है, मोस्ट ऑफ द आज सभी राइड जो है लोनावला ही जाएगी। तो हम लोग हमारा पहले बाइक टॉप अप करा लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक ग्रुप है, आज ये मीटअप पॉइंट पे भाई आप लोगों को ग्रुप ही ग्रुप दिखेंगे। तो टॉप अप करा के हो गया और अभी बस वेट करने का है कौन किधर है। क्या बाइकर्स निकले हैं यार आज। आज पूरे रोड पे आप लोगों को बस बाइकर दिखेंगे, सब बाइकर आज निकले होंगे। वाह क्या ठंडी है यार। ठंडी भगाने का ये सबसे बोले ना कारगर तरीका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सभी बता देता हूँ आज के राइड का क्या प्लान है। आज की एक ब्रेकफास्ट राइड होने वाली है और लोनावला जा रहे हैं, क्योंकि सबको शॉर्ट राइड करके आगे भी सभी का और भी काम है। तो फटाफट राइड कवर करके जो है आप अपने काम पे निकल जाएंगे। और क्या ठंडी लग रही है यार, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ठंडी रहेगी। वो देखो उधर तो अभी तक सब फॉग ही है और एकदम प्यारा सा सनराइज। आप लोगों को मेरे बोलने से ही पता चल रहा था कि क्या ठंडी लग रही है यार। और आज रोड पे बहुत रश होने वाला है बहुत, क्योंकि सभी बाइकर्स आज निकले हो गए और सभी का डिफॉल्ट होता है कि भाई आज लोनावला राइड मार रहे हैं। इसके लिए आज रोड से इतने बाइकर्स मिलने वाले हैं ना कि पूछो मत। भैया अच्छी बात भी है और एक तरफ से थोड़ा टेंशन वाली बात भी है, क्योंकि फिर बाइक कम्फर्टेबल नहीं चला पाते, क्योंकि पूरा रश रहेगा रोड पर, कोई भी किधर से भी घुस जाते हैं, कुछ कुछ रहते हैवी राइडर्स भी, इधर से घुस गए उधर से घुस गए। इसके लिए ध्यान से भी बाइक चलाना होता है। आगे से रॉयल इनफील्ड वालों का ग्रुप है, क्योंकि सभी बुलेट्स मिटियोर यही बाइक दिख रही है यहाँ पर। लाउड बुलेट है यार। फुल डिसिप्लिन राइड चालू है यार इधर तो, देखो पूरा लाइनअप में राइड चालू है, देख रहे होगे आप। बाइक भगाने के लिए बहुत मन कर रहा है, मगर ठंडी जो है ना बाइक भगाने नहीं दे रही है। लिटरली बोला इतनी गंदी ठंडी लग रही है यार, तो बोलने के लिए मेरा मुंह नहीं चल पा रहा है ऐसा हो रहा
और ये रोड तो ऐसे लगता है भाई मैं किसी और ही कंट्री में आ गया। ये रोड बहुत प्यारा लगता है यार। बस हो गया, बहुत ठंडी पकड़ ली अभी। एक बार यहाँ से शिरडन क्रॉस कर ले, फिर थोड़ा एकदम बोलते हैं ना भाई राइडिंग के लायक रोड मिलेगा, तब तक बस ऐसे ही गड्ढे ब्रेकर यही रोड मिलने वाला है। और अभी हम लोग एंट्री कर लिए शिरडन में, अभी मज़ा आएगी थोड़ा राइड करने में, क्योंकि रोड भी उस लायक है और ओपन रोड है। और एक्चुअली आज बोले तो रोड ओपन मिल रहा भी नहीं है कहीं पर, हर जगह पे बस बाइकर्स है। क्या प्यारा रोड है यार ये। इसके लिए सभी बाइकर्स जो है ना पहले लोनावला राइड मारते ही मारते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा रोड है, फुल सीनिक रोड। और खंडाला घाट के बारे में तो क्या ही बात करेंगे, सबका फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट घाट है वो। तो इधर एक थोड़ा सा ब्रेक लिया है और क्या व्यू है देखो इधर से। और वो दोनों ने पीछे ही अपना फोटो सेशन चालू कर दिया है। चलो एक छोटा सा ब्रेक लेके हो गया, चलो अभी बहुत कब से बाइक एकदम आराम से चल रही थी, अभी बस हो गई ठंडी, अभी निकलते एकदम फटाफट। ओहो वेनलीस, यही तो मिस कर रहा था। ये बोलते हैं अभी हम लोग ने खोपोली क्रॉस कर लिया ऑलमोस्ट। ये देखो यहाँ से अभी खंडाला घाट स्टार्ट हो रहा है। बीच में जो मजा आ रही थी ना राइड करने के लिए, जो फुल अपने अपने फुल थ्रॉटल पे चले थे सब लोग, तो मजा आ रही थी फुल उसके लिए। आई गेस मेरे साथ वाले पीछे रुके हैं। Yes. ये लोग लोनावला के राइड में भी कितने ब्रेक ले रहे हैं, ये लोग कैसा लग रहा है हम लोग लॉन्ग राइड पे निकला है। लोनावला नथिंग लगता है अभी तो क्या आने के बाद क्या हवा लग रही है यार, पहले ही ठंडी से हालत करा, ऊपर से हवा, लिटरली हवा ना ऐसा बाइक को इधर उधर से ऐसा झोंका दे रही है पूरा। पहले कुछ जाके नाश्ता करना पड़ेगा यार, अभी भूख लग गई है। सुबह के 9 बज रहे और 9 बजे हम लोग लोनावला पहुँचे। अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट तो सबसे मेन पॉइंट है, पूरे सुपर बाइक्स एंड ऑल सब इधर आए होंगे। अगर 9 बज चुके इतने में तो लोग रिटर्न भी चले गए होते, तो अभी जाके देखते हैं कौन कौन मिल रहा है यहाँ पर। तो हवा भी तेज चल रही है, बाइक इधर इधर हो रही है।
क्या प्यारी लग रही है यार बाइक्स। एक बार आपको क्लोजअप दिखा देता हूँ, ऐसे कितना प्यारा लाइनअप लगता है यार। तो अभी थोड़ा नाश्ता वगैरह करते हैं क्योंकि बहुत गंदी वाली भूख लगी है, पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर आप लोगों से मिलता हूँ। राइट, तो चलो पेट पूजा करके हमारी हो गई और अभी रिटर्न जाने की तैयारी। हाँ मस्त राइड हो गई। ये माझे ग्लव्स कोणा कडे आहेत? अच्छा ऑल राईट, इधर यहाँ पर रुकने के लिए नहीं दे रहे और हम लोग ने सोचा था इधर शूट करेंगे करके। चलो ये रूट से जाते आज। अरे एक्सप्रेस हाईवे ला जॉइंट होईला, चल जुने रोड से ही जाते, इधर से पीछे नीचे से ही जाते। रोड मस्त है रे, रोड में फोटो काढ़ा जगह। थांबो पूछ लेता हूँ, एक तो यहाँ पे रुकने नहीं दे रहे तो पहले ही पूछ लेता हूँ एक बार। काका या रोडला फोटो काढू शकतो का? इकडे फोटो काढायचे होते गाडीचे, गाडीला बाइक मध्ये लावून? नाही नाही, बाजूला लावून किंवा रस्त्यावर लावून। हा तस समजा, किती वेळ गेला? 10 मिनिट। कसं आहे गाडी येतात ऍक्सिडेंट होते? हा नाही, 10 ते 15 मिनिटं लागतील। तुम्हाला कायदेशीर परवानगी नाही द्यायला? हा जे काय तुमच्या रिस्क वर करायचं असेल ते करा, काही इशू झाला तर मी चालेल। अरे नाही फोटो काढायचे की नाही विचारून घेतो ना, उगाच बोललो। काही इशू झाला तर मी येणार। हा पूछ के निकालने के लिए सही है ना, पुलिस है पुलिस। तो गाइस जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो अभी कॉप्स का सीन हो गया था, तो वो सीन कुछ ऐसा था कि हम लोगों को वहाँ पे फोटोशूट करने का था क्योंकि वो रोड बहुत सीनिक था और हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे बहुत अच्छा खासा शूट हो सकता है। मगर जैसे हम लोगों ने सोचा वैसे और बाइकर में भी सोचा होगा कि वहाँ पे शूट करने के लिए, इसलिए वहाँ पे क्राउड जमा हो गया पूरा और इस कारण बाद में जो कॉप्स आए वहाँ पर और शूट करने के लिए नहीं दिया गया वहाँ पे, क्योंकि वो लोगों का भी काम सही है। वो लोग भी बता रहे थे कि यहाँ पे सब क्राउड हो जाएगा, कुछ एक्सीडेंटल एरिया है ये, तो इसके लिए यहाँ पर शूट करना सही नहीं होगा। तो हम लोगों ने बोला यहाँ पर आर्ग्यू करके कोई मतलब नहीं है, उससे हम लोगों ने सोचा चलो निकलते हैं अपना, क्योंकि वैसे भी हम लोग आगे जाके कहीं ना कहीं शूट कर ही लेंगे, तो वहाँ से निकलना हमने सही सोचा। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही गाइस, आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।